मूवी की स्टार्टिंग होती है और उसमें हमें एक ओल्ड फैशन किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं और वहाँ पे वुमन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई गई है मूवी का नाम है सिंड्रेला जो 2021 में रिलीज हुई है इस किंगडम में सबको ओल्ड फैशन दिखाया गया है जहाँ पे वुमन की कोई कीमत नहीं होती और ना ही कोई इज्जत होती है वुमन्स को यहाँ पे बिजनेस नहीं करने देते सबको घर के काम ही करने देते हैं इस किंगडम में एक विवियन नाम की औरत होती है जिसके दो डॉटर्स होते हैं मेलवोलिया और नरिसा उनकी एक स्टेप सिस्टर भी है जिसका नाम एला है वही मूवी की मेन कैरेक्टर है एला के पिताजी की डेथ होने के बाद विवियन ने उसे अपने घर में रख लिया और उसे मेड की तरह ट्रीट करते हैं एला का ख्वाब है कि वो बड़ी होके बड़ी सी डिजाइनर बने पर इस ओल्ड फैशन किंगडम में रहकर और ऊपर से ये फैमिली इसी वजह से उसका ख्वाब पूरा करना थोड़ा मुश्किल है एला सफाई करते वक्त एक खिड़की पर लेडी बग होता है उसे उठाकर एक डब्बे में रख देती है यानी कि वो दिल की बहुत अच्छी होती है वो सबकी मदद करना जानती है एला की इस दर्द भरी जिंदगी को खुश करने के लिए उसके थ्री माउस फ्रेंड्स रहते हैं जिनसे वो बात करती रहती है यहाँ विवियन हमेशा एला के घर के कामों में गलतियाँ ही निकालती रहती है वो हमेशा ऐला से कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो कभी भी कोई तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा तभी उनके घर एक शख्स आता है जिसका नाम थॉमस होता है जिसे देखकर विवियन को एक होप आ जाती है कि उसके बेटियों के लिए कोई अच्छा सूटर मिल जाएगा वो एला से भी कहती है एक अच्छा सा सूटर ढूंढने की ज़रूरत है पर एला के प्लान्स तो कुछ और ही होते हैं वो झट से नीचे जाती है और उसका बनाया हुआ सूट वो देखती है अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रिंस रॉबर्ट पर वहाँ एक प्रिंसेस आई हुई होती है जो उसे बता रही होती है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और वो उसे कन्वेंस कर रही होती है कि तुम मुझसे शादी कर लो पर प्रिंस रॉबर्ट मानने को तैयार ही नहीं होता वो कहता है जब तक उसे सच्चा प्यार ना हो जाए किसी से वो तब तक शादी नहीं करेगा अब मार्केट में एक बड़ी सी अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे किंगडम्स में जितने भी रॉयल फैमिली है सबको कैसल पर आना पड़ेगा ताकि किंग सभी रॉयल फैमिली से मिल सके विवियन अपने दोनों डॉटर को तैयार करके निकलने लगती है तभी एला अपनी बनाई हुई ड्रेस लेकर वहाँ पहुँचती है एला सोचती है कि वो उसकी बनाई हुई ड्रेस वहाँ सभी लोग होंगे तो सबको दिखा के इम्प्रेस करेगी पर यह बात सुनकर विवियन हँसती है और कहती है कि लड़कियों का काम बिज़नेस करना नहीं होता है उन्होंने घर संभालना होता है एला नाराज़ हो जाती है और विवियन कहती है कि तुम अगर ऐसा करोगी तो हमारे फैमिली की इंसल्ट होगी अब सीन किंग रॉबर्ट पर शिफ्ट होता है जहाँ किंग के पिताजी को उसकी बिहेवियर समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि किंग रॉबर्ट हर प्रिंसेस को नहीं कहता है तो वो कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो सब तुमको किंग नहीं मानेंगे किंग को सेटल होना पड़ता है शादी करनी पड़ती है किंग रॉबर्ट कहता है कि मुझे कोई भी प्रिंसेस अभी तक पसंद नहीं आई क्वीन समझाने लगती है तो किंग रॉबर्ट के पिताजी उसे चुप करा देते हैं और फिर क्वीन को पता चलता है कि उसकी चेयर किंग रॉबर्ट के पिताजी के चेयर से छोटी है तो इस बात से वो इरीटेड हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है किंग रॉबर्ट उसके पिताजी से कहता है जब तक मुझे सच्चा प्यार नहीं हो जाता मैं शादी कैसे करूँ उस पर उसके पिताजी बोलते हैं कि शादी प्यार नहीं पावर होता है और अगर तुम्हें इतने मैच्योर नहीं हो तो मैं तुम्हारा किंग का क्राउन और कैसल तुम्हारी बहन ग्रैन को दे दूंगा किंग रॉबर्ट से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बॉ अरेंज किया है जहां पर तुम अपने लिए ब्राइड सिलेक्ट करोगे यह आइडिया रॉबर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता वो अपनी ही बात पर अड़ा हुआ होता है फिर उसे मिलता है उसका सच्चा प्यार यानी कि एला बॉल में सभी लोग आए हुए होते हैं एला भी आई हुई होती है उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है क्योंकि वो पीछे खड़ी होती है वो किंग रॉ रौ, किंग रॉबर्ट के पिताजी के एक मूर्ति वहाँ पे होती है उस पर चढ़ जाती है और वहाँ से वो सब कुछ देखती है सब लोग गाना गा रहे होते हैं बीच में किंग रॉबर्ट के पिताजी कहते हैं कि तुम उस मूर्ति से उतर जाओ किंग रॉबर्ट की नज़र एला पर जाती है वो ये सब कुछ देख कर हँसता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है ऐला को देख कर एला उतर कर भीड़ में नाचने लगती है और नाचते नाचते गायब हो जाती है रॉबर्ट देखता है पर उसे वो दिखती नहीं उसके बाद रॉबर्ट को ऐला तो पसंद आ जाती है पर उसको उसका पता नहीं मिलता अब रॉबर्ट किंग के सामने एक शर्त रखता है कि उसे किंगडम की हर लड़की को बॉल पर बुलाना होगा और वो उसमें से सिलेक्ट करेगा अपने ब्राइड को और वो किंग से कहता है कि लड़की किसी भी क्लास की हो वो हर एक लड़की को बॉल पर बुलाना चाहता है अब किंग को कैसल का होल्ड उसके बेटे को ही देना होता है ना कि उसकी बेटी ग्रैंड को जो कि उसे पता होता है कि ग्रैंड बहुत ही डेस्परेट है कैसल का होल्ड पाने के लिए फिर भी वो अपने बेटे को ही किंग बनाना चाहता है तो वो शर्त मान जाता है यहाँ रॉबर्ट अपने कपड़े बदल कर भैंस बदल कर किंगडम में जाना चाह रहा होता है क्योंकि वो मैकश्योर कर सके कि एला भी वहाँ बॉल पर आएगी यहाँ एला भी अपना ड्रेस रेडी करके मार्केट में बेचने के लिए घर से निकल रही होती है जहाँ विवियन अपने डॉटर्स को घर के काम सिखाने में बिजी होती है वो छुपके से घर से बाहर भाग के मार्केट में आ जाती है मार्केट में आने के बाद सब लोग उसे देखते रहते हैं वो अपनी ड्रेस के बारे में सब लोगों को बता रही होती है और सब लोगों को लगता है कि इसने ये ड्रेस चोरी करके यहाँ मार्केट में ला बेच रही है एक औरत से वो मिलती है वो कहती है कि ये ड्रेस है वो उस ड्रेस को देख के कहती है कि ये चोरी का माल है और मुझे लेना नहीं है यह बात सुनकर ऐला को बहुत गुस्सा आता है एला एक्सप्लेनेशन देती रहती है कि यह ड्रेस मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कोई नहीं सुनता तभी किंग वहाँ पर आता है और एला से कहता है कि वाकई में तुम्हारी ड्रेस बहुत ही शानदार है उस पर एला कहती है कि थैंक यू पर एला उस पर गुस्सा निकालते हुए बोलती है कि आखिर वूमन को भी राइट्स होना चाहिए बिज़नेस करने का और वो अपनी बातें सुनाती रहती है उसकी बातों को सुनकर किंग इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे इस शानदार ड्रेस के मैं तीन गुना ज़्यादा पैसे दूंगा तभी किंग के आदमी वहाँ पर आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि कहते हैं कि किंग अपने लिए ब्राइड सिलेक्ट करना चाहता है तो किंगडम की सभी लड़कियों को किंगडम के बो में इनविटेशन है यह बात सुनकर एला हंसती है और किंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है ऐसे कोई सब लड़कियों को बुलाकर अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुन सकता है एला की बातों को इग्नोर करते हुए रॉबर्ट उससे बो पर आने के लिए कहता है एला उसे मना करती है फिर भी वो कहता है कि अगर तुम बो पर आओगी तो तुम अपने डिजाइन्स ड्रेसेस के बहुत लोगों को दिखा पाओगी मेरी बहुत जान पहचान है बड़े लोगों तो में एला उसकी बात मान लेती है और कहती है मैं आऊंगी और मैंने इस मूवी को फोर पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट पार्ट भी उसी प्ले में है जाके चेक करो ओके गाइज देख लो